बंदर और लकड़ी का कूंटा। एक समय की बात है, जब शहर से थोड़ी दूर में एक मंदिर बनाया जा रहा था। उस मंदिर के निर्माण में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लकड़ियों के काम के लिए शहर से कुछ मजदूर आए हुए थे। एक दिन मजदूर लकड़ी चीर रहे थे। सारे मजदूर रोज़ दोपहर का खाना खाने के लिए शहर जाया करते थे। उस दौरान एक घंटे तक वहां कोई भी नहीं रहता था। एक दिन दोपहर के खाने का समय हुआ तो सभी जाने लगे। एक मजदूर ने लकड़ी आधी ही चीर दी, इसलिए वह बीच में लकड़ी का कूंटा फंसा देता है ताकि दोबारा चीरने के लिए आरी फंसाने में आसानी हो। उनके जाने के कुछ समय बाद बंदरों का एक समूह वहां आ जाता है। उस समूह में एक शरारती बंदर था जो वहां पड़ी चीज़ों को उल्टा पुल्टा करने लगा। बंदरों के सरदार ने सभी को वहां रखी चीज़ों को छेड़ने से मना किया। कुछ समय बाद सारे बंदर पेड़ों की तरफ वापस जाने लगे तो वह शरारती बंदर सबसे बचकर पीछे रह जाता है और उद्दम मचाने लगता है। शरारत करते करते उसकी नज़र उस आचीरे लकड़ी पर पड़ी, जिस पर मजदूर ने लकड़ी का कूंटा लगाया था। कूंटे को देखकर बंदर सोचने लगा कि उस लकड़ी को वहां पर क्यों लगाया है, उसे निकालने पर क्या होगा। फिर वह उस कूंटे को बाहर निकालने के लिए खींचने लगता है। बंदर के अधिक जोर लगाने पर वह कूंटा हिलने और खिसकने लगता है, जिससे देखकर बंदर खुश हो जाता है और जोर लगाकर उस कूंटे को सरकाने लगता है। वह कूंटे को निकलने में इतना मगन हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी पूंछ दोनों पाटों के बीच में आ गए। बंदर पूरी ताकत के साथ कूंटे को खींच कर बाहर निकाल देता है। कूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग चिपक जाते हैं और उसकी पूंछ बीच में फंस जाती है। पूंछ के फंसने पर बंदर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और तभी मजदूर भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बंदर भागने के लिए जोर लगाता है तो पूंछ टूट जाती है। वह चीखते हुए टूटी पूंछ लेकर भागता हुआ अपने झुंड के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही सभी बंदर उसकी टूटी हुई पूंछ देखकर हंसने लगते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ना तो दूसरों की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और ना ही उनके काम में दखलदासी करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें ही नुकसान होता है।